गाइस फाइनली आज के वीडियो में आप लोगों को दरबार शरीफ का अंदर का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बाबा ताजुद्दीन औलिया का अंदर का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आए। पूरा देखना, आप लोगों को पूरा माहौल दिखाऊंगा। हेलो हेलो, بسم الله الرحمن الرحيم। फाइनली अब मैं आप लोगों को अंदर से याद कराने वाला हूं दरबार शरीफ का, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं परमिशन लेकर के और लाइन लगा करके बड़ी लंबी से सामने वाले गेट से अंदर आया हूं। और अब आप लोगों को मैं अंदर का नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत प्यारा जन्नत का नज़ारा लग रहा है। और अभी यहाँ पर कवाली चल रही, कवाली सुनाऊँगा, जो नाज शरीफ चल रही वो भी सुनाऊँगा। और माशाल्लाह आप अंदर का नज़ारा देख पा रहे हो, कितना प्यारा मंजर है माशाल्लाह। देख सकते हो गाइस कितना प्यारा मंदिर है भाई। गेट एग्जिट गेट कहाँ से भाई? यहीं से ही, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा खूबसूरत मंजर हो गया माशाल्लाह, बड़ी मुश्किल के बाद। हाँ मेरे भाई, दरबार शरीफ का देखो कितना प्यारा माहौल हो गया है माशाल्लाह। ये आप अंदर का नजारा देख पा रहे हैं, काफी खूबसूरत नजारा हो गया है। बाबा जान ने अपने दरबार में मेरे को बुलाया और इतना प्यारा मंजर आपके चरखों का दिखाया मेरे को माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत दरबार शरीफ सजा हुआ है, बहुत खूबसूरत मंजर है। हमारा मेन गेट देख पा रहे हो, काफी प्यारा मंजर होते हुए यहाँ पे। यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ रहती थी, अभी एक भी भीड़ नहीं है, अभी सन्नाटा हो गया पूरा। देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा गेट बनाया हुआ है। हाँ आज से पाँच साल दस साल पहले आप लोग देखते थे कैसा मंजर था, और अब आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत मंजर हो चुका है। ये दरबार शरीफ का गेट शरीफ देख पा रहे हो आप, कितना प्यारा बना दिया गया है। आप नागपुर आओगे तो भूल नहीं पाओगे ताजुद्दीन बाबा के दरबार। अल्लाह क्या मंजर है यार, ऐसा मंजर देखने को हर मतलब तरस जाते हैं लोग। वो तो मेरे को खुश नसीबी कि देखो बाबा जान ने लॉकडाउन होने के बाद भी अपने दरबार पर मेरे को बुलाया, दरबार शरीफ बंद होने के बावजूद भी मेरी किस्मत वालों के मैं इधर आ पाया। हम लोग डेली जाते सुबह। हाँ अजर के साथ नमाज पढ़ के पहले हाजिर भी होना। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, डेली अजर का नमाज पढ़ के जाते दरबार। चलो
वालेकुम भैया। माशाल्लाह देखो कितना प्यारा मंजर लगा है। वल्लाह हबीबी खुदा गवाह की कसम ये नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा तुमको कभी भी। तुम इधर को आएगा और घूम के जाएगा तुमको मजा आएगा इंशाल्लाह। फिर गाइस फाइनली मैं नागपुर में आता तो नागपुर में मेरे भाई लोग मिले हैं जो कि मेरे भाई कुछ तो दोस्त है और कुछ मेरे भाई सब्सक्राइबर हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा भाइयों से मिलके एंड भाइयों ने मेरे को ये नागपुर शहर घुमाया है मेरे को बहुत अच्छा लगा। भाई लोग किधर से हो आप सब? हम तो नागपुर के भाई। नागपुर में ये पूछ रहा मैं। हम तो पार्टी के शांति शांति नगर। क्या बात है क्या शांति है और ये अशांति फैला रहा है वैसे तो। क्या एरिया का नाम क्या है? पार्टी आजबाग शांति नगर बालदरपुरा गजरानीपुरा तो भी शांति। और पीछे मालदरपुरा। क्या बात है। तो ये बताना दरगाह का नाम क्या था? दरगाह सरवर शाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी दरगाह है ये। अपने बाबा ताजुद्दीन दरगाह जो है वहीं से पास में पड़ती सरवर शाह दरगाह। ये कब्रिस्तान के पास बनी है ना, है ना, कब्रिस्तान के पास बनी है बाबा सरवर शाह की दरगाह। बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत दरगाह है। अभी मैं रात का नाइट का सीन दिखा रहा हूँ और डे का सीन भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जब मैं इधर आऊँगा अच्छे से तो एक्सप्लोर करूँगा और इनकी करामत के बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा। तो देख सकते हो बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत दरगाह है माशाल्लाह ये बाबा सरवर शाह। जैसे ताजुद्दीन बाबा वैसे ही बाबा सरवर शाह दरगाह है। काफी प्यारा मंजर है यहाँ का भी देख सकते हो। नागपुर में आएंगे तो भाई भूल नहीं पाएंगे इसी जगह को। यहाँ बहुत सारे दरबार हैं आप लोगों को घूमने के लिए आप लोगों के याद करने के लिए। बाबा सरवर शाह दरगाह है ये गेट है वहाँ का और ये दरबार शरीफ है। माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत बाबा अहला सैयद मोहम्मद सरवर शाह हज तालिया अल हसनी वल हुसैनी सरवर। कब्रिस्तान है ये बाबा ताज के इधर का कब्रिस्तान है ना। ये सरवर शाह मज़ार देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत मज़ार है। जैसे आप ये देख पा रहे बाबा सरवर शाह की दरगाह सेम ऐसी वहाँ पे भी सजावट हो रखी है अंदर। माशाल्लाह बाबा ताज के वहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत मंजर करा गया है वहाँ पर भी। तो आप ये मंजर देख रहे हो तो समझो वही का मंजर देख पा रहे हो आप। माशाल्लाह बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत मज़ार है देख सकते हो। बाबा आपकी हाजिरी को कबूल और मकबूल फरमाए। मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करता हूँ कि जो नहीं आ पा रहा है वो बाहर से याद कर सकता है बाबा सरवर की। माशाल्लाह जब बाबा सरवर के मज़ार में आओगे तो आपको ऐसा मंजर देखने को मिलेगा अंदर। बहुत खूबसूरत मंजर है सुबह में। माशाल्लाह मेरी याद हो गई अंदर दरबार शरीफ में गया था हाजिरी देख के आया हूँ गरीब में। ताजुद्दीन सरकार ने अपने दरबार की मुझे याद करा दी बहुत अच्छा लगा मेरे को माशाल्लाह। गाइस देख सकते हो फाइनली हमारे भाई को सब्सक्राइबर भाई मिले ताजबाग में आया था। तो भाई आप कहाँ से हो? मुंबई। मुंबई से हो और तुम? नागपुर से हो क्या? ये भाई मेरी सारी वीडियो देखते मतलब कौन कौन सी वीडियो देखी मेरी स्पेशल बताओ। पूरी अजमेर वाली। पूरी माशाल्लाह शुक्रिया। स्पेशल बताओ कोई स्पेशल? छठी वाली। छठी वाली मेरी भाई ने वीडियो देखा है और मेरे भाई सब्सक्राइबर भी हैं मुझे बहुत अच्छा लगा शुक्रिया भाई। तो ऐसी वीडियो को शेयर करते रहो मेरे को बस और कुछ नहीं चाहिए। देखो ये मेरे गोरिल्ला पोर्ट देख कर डर गई। तो गाइस फाइनली हम अयुब भाई के घर पे आए हुए हैं। ये हमारे अयुब भाई की कुछ फैमिली और
वो देखो डर रही हो, खास करके ये मेरे देखो माइक जो लगा हुआ है, दिखेगा शायद आप लोगों को, नहीं दिख रहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ माइक लगा हुआ, माइक को देख के बच्चे डर रही है। अच्छा तो हमारे अयूब भाई मेरे को खास करके इनवाइट किया था मेरे को खाने में, मेरे को बहुत सारे लोग बुला रहे थे बट अयूब भाई ने कहा नहीं नहीं कहीं जाना ही नहीं, तुझे खाना मेरे घर पे ही खाना है। मतलब ये नागपुर वालों को प्यार है कि मेरे को छोड़ते नहीं है, मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ ना नागपुर वाले छोड़ते नहीं है माशाल्लाह। तो मुझे यहाँ पे नागपुर में जो प्यार मिला ना, जो सम्मान मिला ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि कैसे क्या बोलूँ आपको। और दूसरी बात कि अभी कल अयूब भाई मतलब मेरे साथ में रहते हैं और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाने की कोशिश करते हैं, पूरा आज घुमाया इन्होंने दरगाह शरीफ घुमाया और अपने दोस्तों के घर लेके गए, वहाँ खाना पीना खिलाया और खूब सारा घुमाया, अच्छा लगा। और अब कल फिर हमको ये लेके जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे हम कल? कल इंशाल्लाह अजीज कब्रस्तान में जाएंगे, सैयद साहब बाबा के वहाँ। अच्छा फेमस मजारे जो माशाल्लाह बगदादी शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तरफ भी जाएंगे। अच्छा और कब्रस्तान की औलिया मस्जिद जो है उसके भी वीडियो शूटिंग करेंगे। अच्छा और इंशाल्लाह अजीज अभी हाल ही में मुफ्ती आजम महाराष्ट्र मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब किबला पर्दा फरमा गए, अच्छा तो उनकी भी मजारे मुबारक की ज्यारत करवाएंगे जरूर जरूर इंशाल्लाह। तो कल जाते हैं और बिना वक्त गवाए आपको ये देखो हमारी बच्ची माइक से डर रही है, इधर देखो इधर सामने इसमें देखो ये कौन है देख रही खुद को ये कौन है? अनाया 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 है ये। अबू कहाँ बैठे इसमें दिख रहे? अबू अबू कहाँ है? ये इधर है। कहाँ है अबू? कहाँ है अबू? कहाँ है अबू? कहाँ है? पहचान तो गई, बाकी अभी डर रही थी माइक से है ना, ये माइक से कुछ तो भी समझी पहले हो करके। हाँ। अब नहीं डर, अनाया अबू 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 अब नहीं डरेगी, अब नहीं डरेगी, अबू के साथ है ना। शरीफ का सैयद जलालुद्दीन दरगाह, सैयद जलालुद्दीन दरगाह है, टेका नाका की बहुत फेमस दरगाह है, माशाल्लाह बहुत प्यारी दरगाह है। और अभी आप देख पा रहे हो कितना प्यारा मंजर लग रहा है माशाल्लाह, रही है ये रात का नज़ारा है, अभी रात का नज़ारा इतना प्यारा इतना खूबसूरत लग रहा है, तो अभी सोचो दिन का नज़ारा क्या होगा। और मैं इंशाल्लाह इस तरफ आऊँगा दिन के टाइम, तो ज़रूर मैं इधर की दरगाह के बारे में अलग से एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह जब भी नागपुर आऊँगा तो माशाल्लाह ये दरबार शरीफ आपको ज़रूर दिखाऊँगा मैं, बहुत प्यारा मंजर लग रहा है देख सकते हो आप, और बहुत प्यारी खूबसूरत दरगाह ये। हेलो हेलो नहीं खूबसूरत मंजर, अब पहले का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो पहले साल पिछले साल 2019 में जो हुआ था मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। सेट कर दूंगा आपको। और अब मैं आप लोगों को ये मंजर जो दिखा रहा हूँ, ये जब उर्स स्टार्ट होने वाला था बाबा जान का, उर्स स्टार्ट होने के दो दिन पहले का मंजर आप देख पा रहे हो, तो ये हमारे सहयोगी भाई ने वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा मंजर लग रहा है माशाल्लाह। तो मैं क्या बताऊँ कि मैं खुद गया दरबार शरीफ में, मैंने खुद ज़ियारत करी, ये माहौल अपने आप को देखा, मैं अपनी बयान नहीं कर सकता कि मेरे को कितना अच्छा कितना प्यारा महसूस हुआ यहाँ पर आकर के, कितना मेरे को सुकून मिला यहाँ पर।
फाइनली आप लोग ये दरबार शरीफ का अंदर का नज़ारा देख पा रहे हो, काफ़ी प्यारा मंजर है ये, जो कि दरगाह शरीफ के उरूस के दो चार दिन पहले का वीडियो है। मेरे पास आया था तो मैंने कहा चलो आप तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि कितना प्यारा मंजर लग रहा है और आप लोग देख सकते हो ये दरबार शरीफ का पूरा अंदर का नज़ारा है। और इंशाल्लाह मैं तो यही दुआ करूंगा जो भी जायरीन या दरबार शरीफ में नहीं आ पा रहा है वो दरबार शरीफ में आए और आकर के हाजिरी लगा पाए। ये दरख्वास्त करना चाहूंगा बाबा जान से कि अपने दरबार यहाँ पे ट्रेन में, आपको बता दूं यहाँ से नागपुर से ट्रेनें जो चल रही है, नई दिल्ली से नागपुर चल रही है और नागपुर से सिकंदराबाद चल रही है और हैदराबाद चल रही है और बेंगलोर चल रही है। नागपुर से दिल्ली टू हैदराबाद, दिल्ली टू सिकंदराबाद, दिल्ली टू क्या बोलते हैं बेंगलोर और एक बीजापुर भी चल रही है, यही ट्रेनें चल रही है। अभी तो कोई भी ट्रेन नहीं है यहाँ पे नागपुर में आपके लिए। चल तो और आगे देखते हैं अभी हम क्या चीज़ है इसके ऊपर टिका है, वो चार कालम है। हाँ ओ गजब है यार, नहीं नहीं काफ़ी ऐसे शूट कर लेंगे। चलते चलते ये देख सकते हो गाइस यहाँ का ये फेमस ब्रिज है, अभी बनाई है ये, ज़्यादा पुराना नहीं है और हर जगह की अपनी एक पहचान होती है। वैसे यहाँ का क्या नाम था झूला का, राम झूला, नागपुर का राम झूला देख सकते हो ये। चलो चलो हाँ अब दिख रहा है राम झूला सही से, ये पूरा राम झूला देखो, लाइटें लगा। तो फाइनली हमारी वीडियो हो चुकी है फाइनल और हम लोग फाइनली फिर से पहुंच चुके हैं मोमिनपुरा। तो हमारे मोमिनपुरा रात का बादशाह ही है, यहाँ पर रात के टाइम आपको कितने बजे तक चेल पे रहेगी ऐसी है? रात भर रहती है। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, ये मोमिनपुरा में रात भर चहल पहल रहती है, देख सकते हो। तो गाइस फाइनली वापस मैं मोमिनपुरा पहुंच चुका हूँ और ये रात भर चलता है ये मार्केट पूरा। और अब मेरी वीडियो हो चुकी फाइनल, मैं आलीशान होटल में रुका हूँ, देख सकते हो यहाँ पे अब हो चुकी मेरी वीडियो फाइनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, छोटा भाई हूँ तुम्हारा, सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मिस्टर खान अजमेर, और जैन साहिल खान फेसबुक अकाउंट है मेरा।